हाय गाइस, वेलकम टू झारखंड की जली व्लॉग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आज जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही बेसिक बजट के अंदर बहुत ही बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जिससे आप अगर यूज़ करेंगे तो आप देखिए, मैंने अभी यूज़ किया है ये सारी चीज़ें और मैं इस तरह तैयार हुई हूँ। आई होप आपको मैं अच्छी लग रही होंगी। तो जिनका बजट बिल्कुल कम है, जो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हैं मेकअप के ऊपर में, जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास मेकअप का तरीका नहीं है और वो फिर भी सुंदर लग सकते हैं और वो फिर भी मेकअप कर सकते हैं, तो आप ये सारी चीज़ों को 400-500 के अंदर बाय कर सकते हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल देखिए, ये मेरा लुक है उन्हीं मेकअप्स को इस्तेमाल करके। मैं अभी वही वीडियो कंटिन्यू शूट कर रही थी, तो मैंने मेकअप किया था जो आपको मैंने आगे आपको इस क्लिप में मिलेगा देखने को, उसके साथ ही मैं ये तैयार हुई हूँ। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया है मैंने। ये देखिए, मैंने एक लैक्मे का फेस पाउडर, एक पोन्स वाइट ब्यूटी क्रीम और एक ये लाइनर लिया है, एक काजल लिया है और एक लिपस्टिक लिया है। इसके पहले मैंने एक मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर लगाया था। मैंने ये लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। और आप चाहें तो कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं और क्रीम की जगह पर भी आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये मेबलिन न्यूयॉर्क का कोलोजल काजल लिया है मैंने। तो ये थोड़े से प्रोडक्ट से आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। और एक ईयरिंग लगा लीजिए, अच्छा सा हेयर कॉम कर लीजिए, तो इतने से मेकअप से आप बहुत अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। और तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए हर मेरे नए वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं कि मेरे फेस पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं है। मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया, मैंने हेयर भी कोम्ब नहीं किया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मेकअप करती हूँ। तो मैंने आपको जो दिखाया, मैं सबसे पहले ये लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, जो कि मैंने अभी हैंड में ले लिया है देखिए। और बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और इसको बिल्कुल ऐसे डैब डैब करके अपने फेस पर आपको इसको अप्लाई करना है। जब भी आप फेस पे कोई मेकअप अप्लाई करें तो इसको ऊपर की तरफ अप्लाई करना होता है, नहीं तो डबल चिन हो जाता है। मैं तो और मेरा तो ऑलरेडी डबल चिन है, आप देख ही पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले कोई भी मेकअप को ऊपर की तरफ अप्लाई करना होता है। तो देखिए, मैंने ये पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। इसका टैग नहीं है, मेरी बेटी ने इसका टैग निकाल दिया है। तो पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद मैं ये पोन्स वाइट ब्यूटी लगाती हूँ। इसका भी टैग मेरी बेटी निकाल दी है। ये देखिए, ये पोन्स वाइट ब्यूटी है, आप इसको पहले लगाएंगे। इसको मैंने इतना सा फिंगर में लिया। सो उसके बाद ये आपको इसको इस तरह करके अप्लाई करना है पूरे फेस में, आईज़ के ऊपर भी। इसको आप सबसे पहले इस तरह करके अप्लाई करेंगे। देखिए गाइस, ये मैंने बीच में मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। हम अप्लाई करेंगे ये लैक्मे का फेस पाउडर है, ये देखिए लैक्मे का फेस पाउडर। तो हम इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए, आप इस मेबलिन न्यूयॉर्क के मेबलिन का कोलोजल काजल है और इस काजल से आप आईज़ पे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट लुक देता है और ये जल्दी रिमूव नहीं होता है। उसके बाद ये देखिए, मैंने एक लोकल मार्केट से ही एक ये लाइनर लिया था। ये लाइनर आपको मीशो में मिल जाएगा। आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको मीशो का जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी इसका कोड। तो इससे हम लाइनर लगाएंगे। इस तरह करके आप विंग आईलाइनर भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम अपने दूसरे आईज में आईलाइनर लगाएंगे। ये देखिए, इस आईज में लग गया है। और उसके बाद
सो गाइज आप देख पा रहे हैं कि मैंने दोनों आईज में आईलाइनर लगा लिया है और आप अपने इस काजल को इस लाइनर से पैक कर सकते हैं ताकि आपका जो काजल है वो स्मज ना हो। तो आप सो गाइज आपने देखा ये आईलाइनर मैंने इससे लगाया और ये कितना परफेक्ट लग गया है, लाइनर और काजल दोनों। और अब हम लगाएंगे ये लिपस्टिक। ये ब्लू हेवन का लिपस्टिक है, पिंक कलर का है, तो आप मेरा ये ड्रेस पिंक कलर का है इसलिए मैं उससे मैच करता हुआ ये लिपस्टिक लगा रही हूँ। बहुत लाइट सा लगाऊंगी। सो गाइज आप देख रहे हैं कि मैंने ये सारा मेकअप कर लिया। अब मैं फाइनली अपने हेयर को कॉम कर लूँगी। इसलिए हम कोई भी अच्छा सा एक झुमका डाल लेंगे। सो देखिए गाइज हम रेडी हो गए हैं। तो इतने कम मेकअप में आप रेडी हो सकते हैं, इतना थोड़ा सा मेकअप आप यूज़ करके और एक अच्छे पार्टी वियर के लिए रेडी हो सकते हैं। अगर अगर किन्हीं के पास मेकअप प्रोडक्ट्स कम है और ज़्यादा आप मेकअप यूज़ नहीं करती हैं, आपके पास मेकअप बहुत कम है तो आप चाहिए तो इन थोड़े से प्रोडक्ट्स के साथ ये काजल, लाइनर, लिपस्टिक और ये एक मॉइस्चराइज़र, साथ में ये एक फेस पाउडर और एक कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं। मैंने पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी लिया है, आप चाहिए तो फेयर एंड लवली या फिर और कोई भी क्रीम जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी लिया है, तो एक क्रीम, एक फेस पाउडर, एक मॉइस्चराइजर और साथ ही ये कुछ काजल, लाइनर और लिपस्टिक के साथ आप बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो सकते हैं। तो आप देखिए मैं कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गई हूँ। और एक ईयरिंग चाहिए होगा और देखिए एक परफेक्ट लुक आया है मेरे फेस को। सो आई होप आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैसा लगा है आपको मेरा मेकअप। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरा सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको चला जाए। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बाय।